नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र खिताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जहाँ पर बिहार के सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो भी इम्पोर्टेंट बॉक्स है, किताब के इनसाइड में इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया गया, उसी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका केबीसी नैनो का पब्लिकेशन किताब है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका बिहार का पॉलिटी, बिहार का राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 आज आपका स्टार्ट करेंगे, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी किताब के अंदर में दिया गया इंपॉर्टेंट बॉक्स होगा, उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, पूरा किताब अभी नहीं पढ़ेंगे। और आपका जो भी तो वन लाइनर जो आपका थ्योरी दिया हुआ है, उसको हम लोग जो है बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट बॉक्स है, देखिए ये आपका बिहार का मैप हो गया, ये आपका वन लाइनर हो गया जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और आपका जो कि यहाँ पर आपका देखिए एक इंपॉर्टेंट बॉक्स मिला है, ठीक है। इसी को जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्स है इस किताब में, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में राज्य व्यवस्था में, उसको एक वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आपका आपका जब भी रिवाइज करने का, आपको बिग बॉक्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो रिवाइज करने का जरूरत पड़े, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को लिए आपको सारा रिविजन एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आपको बॉक्स मिल जाएगा। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो अवधि और राज्यपाल, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लगा है, ठीक है। और उस समय के राज्यपाल कौन थे और कब कब ये अवधि था, कब किस समय आपको लगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया, किस मुख्यमंत्री के समय में, सिर्फ राज्यपाल का नाम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा वो आपका 26 जून 1968 को लगा और 26 फरवरी 1969 को खत्म हुआ, ठीक है। तो लगभग टोटल आपका 8 महीना आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राज्यपाल आपके थे नित्यानंद कानून को, ठीक है। सबसे पहले राज्यपाल नित्यानंद कानून के समय में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा 1968-1969 में। दूसरी बार आपका जो है आपका राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 6 जुलाई 1969 को और आपका जो है 16 फरवरी 1970 को लगा, ठीक है। तो दूसरी बार आपका जो है 6 जुलाई, ठीक पहली बार के 5 महीने बाद फिर आपका लग गया राष्ट्रपति शासन 6 जुलाई 1969 से लेके 16 फरवरी जो है आपका 1970 तक। और उस समय भी आपके राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानून को राज्यपाल थे, ठीक है। ये दूसरी बार आपका बिहार में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट आपका है जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ आपका 9 जनवरी 1972 से लेके 19 मार्च 1972 तक। तो 9 जनवरी 1972 से लेके 19 मार्च 1972 तक आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और उस समय के राज्यपाल थे देवकांत बारुआ, ठीक है। देवकांत बारुआ आपके राज्यपाल थे 30 अप्रैल 1977 से लेके 22 जून 1977 तक आपका जो है लगभग 2 महीने का राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय आपके राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1977 से लेके 22 जून 1977 तक आपके जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल। 17 फरवरी 1980, तो 17 फरवरी 1980 को आपका राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ और 8 जून 1980 को ये समाप्त हुआ। और उस समय आपके जो है बिहार में राज्यपाल थे डॉक्टर AR किदवई, ठीक है। तो AR किदवई के समय में आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1980 में। और दूसरी बार आपका जो है AR किदवई के राज्यपाल के समय में आपका 31 मार्च 1995 से लेके 4 अप्रैल 1995 तक आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट आपका है सातवीं बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 12 फरवरी 1999 से लेके 9 मार्च 1999 तक, 1 महीने तक, ठीक है। और ये आपका सुंदर सिंह भंडारी यहाँ के उस समय राज्यपाल थे। तो 12 फरवरी 1999 से लेके 9 मार्च 1999 तक आपके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसमें सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल थे। 7 मार्च 2005 से लेके 24 नवंबर 2005 तक आपका जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। इसमें आपका सरदार बूटा सिंह राज्यपाल थे। तो 7 मार्च 2005 से लेके 24 नवंबर 2005 तक आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय राज्यपाल थे आपके सरदार बूटा सिंह, ठीक है। तो आपके है आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पहली बार नित्यानंद कानून के समय में, दूसरी बार भी नित्यानंद कानून राज्यपाल थे, तीसरी बार देवकांत बरुआ, चौथी बार जगन्नाथ कौशल, पांचवी बार डॉक्टर AR किदवई, छठी बार डॉक्टर AR किदवई, सातवीं बार सुंदर सिंह भंडारी और आठवीं बार आपका सरदार बूटा सिंह थे, ठीक है। तो ये आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने का जो है समय, इधर दिया गया अवधि, ठीक है, अवधि और राज्यपाल।
नेक्स्ट हम अगला बॉक्स पढ़ेंगे, बिहार में राज व्यवस्था। ठीक है, तो बिहार में राज व्यवस्था सारगर्भित तथ्य क्या है आपके, उसको पढ़ते हैं। तो बिहार की राज व्यवस्था सारगर्भित तथ्य क्या है, तो विधानमंडल का रूप, तो विधानमंडल का रूप आपका द्विसदनीय है। तो बिहार विधानमंडल का स्वरूप आपका द्विसदनीय, मतलब दो यहाँ पर विधानमंडल है, एक आपका विधान परिषद है, एक आपका विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है, और आपका जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपका 75 है। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है, तो विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 202 है, तो विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 202 है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 40 है। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 40 है, और बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। तो बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। तो आपका जो है बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान, तो रिजर्व सीट आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट रिजर्व है लोकसभा में, और प्रखंडों की संख्या 534 है, जिलों की संख्या 38 है, जिला परिषद 38 है, और नगर परिषद आपका 49 है, नगर निगम का 12 है, और नगर पंचायत आपका जो है टोटल 80 है। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका बिहार की राज व्यवस्था सार्वभौमिक तथ्य। तो विधानमंडल का रूप आपका द्विसदनीय है, तो विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है, विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 202 है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 40 है, बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 7 है, प्रखंडों की संख्या 534 है, जिलों की संख्या 38 है, जिला परिषद आपका 38 है, आपका जो है नगर परिषद आपका 49 है, तो नगर परिषद आपका 49 है, और नगर निगम आपका जो है 12 है, टोटल 12 नगर निगम है बिहार में, और नगर पंचायत आपका 80 नगर पंचायत है। ठीक है, तो ये आपका बिहार की राज व्यवस्था सारगर्भित तथ्य जिसको हमने पढ़ा आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपका राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।